तो जोधपुर से बड़ी खबर, बलात्कारी आसाराम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। जज मधुसूदन शर्मा ने यह फैसला सुनाया है। आज ही कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया था और आज ही सजा का ऐलान भी कर दिया है। बलात्कारी आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जज मधुसूदन शर्मा ने यह फैसला सुनाया है। आसाराम के वकीलों ने यह कोशिश की थी कि आसाराम को कम सजा हो, लेकिन क्राइम इतना बड़ा था, आसाराम का अपराध इतना बड़ा था कि उसके आगे सारी दलीलें फेल हो गईं। कानून की जीत हुई है, आज न्याय व्यवस्था की जीत हुई है, पीड़िता के हौसले की जीत हुई है और आसाराम, बलात्कारी आसाराम दोषी करार दे दिया गया है और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है बलात्कारी आसाराम को। बता दें आपको, राजदार शिल्पी और शरत चंद्र भी दोषी ठहराए गए हैं, उन्हें भी सजा का ऐलान होना है। उन दोनों को 20-20 साल की सजा का ऐलान किया गया है, यानी राजदार शिल्पी और शरत चंद्र दोनों को 20-20 साल की सजा का ऐलान किया गया है और आसाराम जो मुख्य आरोपी है उसे उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी जीत है, ये बड़ा फैसला है आज न्याय व्यवस्था के लिए, पूरे देश के लिए, ऐसे ढोंगी बाबाओं के लिए, पाखंडी बाबाओं के लिए जो धर्म के नाम पर पाखंड रचते हैं, भोली भाली महिलाओं के साथ उनकी इज्जत लूटते हैं, आबरू लूटते हैं और उसे धर्म के चोला के पीछे ठक देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनके धर्म की दुकान, धर्म का धंधा चलता रहे।